हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कछवाहा एमटी रीजनल इंडिया से। दोस्तों आप पूछते हैं ना, जैसे आप हमें क्या क्या काम सिखाएंगे, कितने दिन की ट्रेनिंग देंगे, क्या फीस लगेगी, मैं क्या सीखूंगा, क्या मुझे आप पर्टिकुलर एक दो आइटम सिखाएंगे? जी नहीं, जब आप मेरे यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आते हैं तो हम आपको एक ही बात बोलते हैं, आपको बिजनेस करना है या हॉबी करनी है। जी हाँ, ज़्यादातर लोगों का बिजनेस करने का ही प्लान होता है। उस बिजनेस प्लान में वो लोग समझते हैं मुझे खाली टेबल टॉप बनाना या घड़ी बनाना ये सीखने से मेरा बिजनेस हो जाएगा या मैं उसमें निपुण हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। आप मेरे यहाँ आते हैं तो मेरे यहाँ पे सबसे पहला एक ही काम किया जाता है, आपको केमिकल का बेसिक पूरा नॉलेज दिया जाता है, यानी कौन सा केमिकल कहाँ कितना और क्यों यूज आएगा और वही क्यों आएगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग रेजिन और हार्डनर काम आता है। इसीलिए आप जब मेरे पास आते हैं तो हम बोलते हैं आपको 4 से 5 दिन का टाइम दिया जाता है, आप हमारे साथ ऑफलाइन में जुड़िए, बेसिक काम को जानिए, और जब यहाँ से आप चले जाओगे तो हम आपको ऑनलाइन प्रोग्राम से जोड़ लेंगे, यानी आपको नए नए अपडेट से अवगत कराते रहेंगे, साथ ही आपसे पहले जो लोग आगे गए हैं आप उनका किया हुआ काम भी देख पाएंगे। और जब आप मेरे पास आते हैं तो 4-5 दिन लेके ना आइए, 1-2 दिन आप एक्स्ट्रा लेके आइए, हमारे यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। और हाँ, आप अपने साथ किसी एक और मेम्बर को लाना चाहते हैं तो उसे भी लेके आइए, उसका कोई चार्ज नहीं है, खाने पीने की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोपहर का लंच आप हमारे साथ करते हैं और रहने के लिए हमारे आसपास में होटल्स मिलती है। और जब आप 5 से 7 दिन आते हैं तो आप क्या काम सीखते हैं, चलिए दिखाते हैं। ये जो आप सब काम देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे एक स्टूडेंट आए थे नागपुर से, मिस्टर दिनेश, जो कि ऑलरेडी आर्किटेक्ट इंटीरियर का काम करते हैं। उन्होंने अपनी इच्छा जताई थी कि सर मुझे ये काम करना है और अच्छे लेवल पर काम करना है, तो मुझे सारा काम सीखना है। तो उन्होंने 7 दिन मेरे साथ बिताए, आज वो चले गए अपना सारा सामान छोड़ के, कि आप इसे मुझे पार्सल करा दीजिएगा, ये मैं बना दिया, साथ नहीं ले जाना चाहता, इसके साथ में जो केमिकल खरीदा है वो भी भेज दीजिएगा, तो मैं वही दिखाना चाहता हूँ। जब वो मेरे पास आए थे तो हमने बेसिक स्टार्ट किया था कास्टिंग टेबल से, आप देख पा रहे हैं लकड़ी के साथ, एक आप देख पा रहे हैं लकड़ी के साथ जो ओशियन लुक दिया हमने, ये पूरा कास्टिंग का है, इसे कास्टिंग बोलते हैं। और कास्टिंग के अंदर बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, उसके अंदर हमने उन्हें ये पैटर्न बनाना सिखाया, ये कंप्लीट उन्होंने ही अपने हाथ से तैयार किया। और साथ ही एक पीस बताते हैं हम लोग कोटिंग का, ये मार्बल कोटिंग आप कोई भी तरह से किसी भी कलर के साथ कर सकते हैं, ये टेक्निक हमने उनको सिखाई, यानी हमने जो 2 टेक्निक सिखाई थी, एक कास्टिंग की और एक कोटिंग की। अब ये 2 जब टेक्निक सीख गए तब उन्होंने बोला सर मैं अब खुद के अपने हाथ से काम करना चाहता हूँ, ये टेक्निक तो मैं सीख चुका हूँ। उन्होंने सबसे पहला बनाया था ये पीस, वो आर्टिस्ट थे, हमको अच्छे समझ चुके थे, केमिकल को जान भी चुके थे, तो उन्होंने डिकोपाच, टेक्सचर आर्ट, एल्कोहलिंग और एपॉक्सी का सारा मिश्रण करके बहुत सुंदर पीस अपने हाथों से बनाया। और उन्होंने अपने भाई का एक फोटो, जो बिग बॉस बिग ब्रदर बहुत खुश थे वो बनाते समय कि मैंने मेरे हाथ से पहली बार बनाया है और इतना अच्छा पीस बना है, और फूलों को प्रिजर्व करना उन्होंने सीखा। साथ ही वो आर्किटेक्ट इंटीरियर का भी काम करते हैं, तो बोले सर मुझे ओनेक्स के बारे में भी जानकारी दो, तो पूरे केमिकल के साथ हमने उन्हें ओनेक्स का पत्थर बनाना सिखाया, ये ओनेक्स कैसे बनता है, यानी वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे जो काम चलता है उसमें ओनेक्स की बहुत डिमांड रहती है, हमने उन्हें 2 टेक्निक से ओनेक्स बनाना भी सिखाया। जब उन्होंने देखा ये वाला वेस्ट वुड का सामान, तो बोले सर ये वेस्ट वुड तो हमारे यहाँ खूब सारा पड़ा रहता है और हम जब काम करते हैं तो बच जाता है, तो हमने उसका भी टेबल टॉप बनाना सिखाया। ये जरूर छोटा सा है मगर टेक्निक इसकी कितनी बड़ी बना सकते हैं, ये छोटा दिख रहा है, ये एक टेक्निक है, इसको बनाने में प्रक्रिया कौन कौन सी अपनानी है, इसे आप कितना भी बड़ा टॉप बना सकते हैं। यानी आप जब टेक्निक सीखते हैं ना, ये टेक्निक बनाने के बाद आप उसका टेबल टॉप बनाइए, वॉल से बनाइए या फिर आप वॉल डेकोर बनाइए, और साथ ही अगर आप इसे आराम से देखेंगे ना तो एक किचन का सेटर भी बन सकता है, यानी आपका मल्टीपर्पज पूरा काम एक ही में हो सकता है आराम से। फिर उन्होंने बोला सर मुझे कुछ डेकोरेटिव पीस भी बनाना है, तो एक छोटा सा पीस बिल्कुल बबल फ्री, ये बोले सर बबल फ्री कैसे बनेगा, तब हमने इन्हें समझाया कि बबल फ्री आपका कैसे बनेगा, इसके लिए कौन कौन सी इक्विपमेंट काम आएंगे, कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और इसके अंदर क्या क्या काम करना पड़ेगा, और जो आपने इसके अंदर
स्टेचू लगाया है उसको फिटिंग कैसे करना है, कितने दिन में तैयार होगा, यानी पूरा प्रोसेस उनको बताया गया कि पीस उन्होंने अपने हाथों से तैयार किया है। जब इतना सारा काम हो गया तो बोले सर मैं जो कंपनी लगाने वाला हूँ आपका, मैंने लोगो वाला भी एक वीडियो देखा था, मैं वो भी बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये बनाया अपना लोगो, दिख रहा है ना आपको मार्बल जैसा, हाँ ये इनका लोगो है, इनके कंपनी के नाम का लोगो। कैसे वर्क करता है हम आपको बताते हैं। देखिए जो अभी पूरा मार्बल का स्ट्रक्चर दिख रहा था आपको कि मार्बल स्टोन ही दिख रहा था, उसके अंदर से बहुत ही सुंदर लाइट आई है और उनका खुद का एक पर्सनल लोगो बन गया है। ये सब उन्होंने क्यों सीखा, ये उन्होंने ये सीखा, मेरा आर्किटेक्ट और इंटीरियर के साथ काम होता रहता है, मैं उन्हें कुछ नया देना चाहता हूँ क्योंकि मार्केट से हटके हूँ, मैं बड़ी बड़ी वॉल बनाना चाहता हूँ जिनके अंदर उनके मार्बल जैसा दिखे और अंदर से लोगो दिखे। तो उन्होंने अपने एक सैंपल पीस खुद का बनाया, साथ ही आप देखेंगे ये स्टोन, आप देखेंगे ये हमारे 14-15 सालों की मेहनत का नतीजा है। जब उन्होंने बोला सर मैं किसी काम को करूंगा मेरा टेक्सचर हर बार एक जैसा नहीं आएगा, मुझे एक ही जैसा दिखाया वैसा ही छोटा बड़ा लंबा गोल सब एक जैसा चाहिए, तब उन्होंने ये पीस बनाया। ये आप देख पा रहे हैं ना, इसके साथ ही एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, अगर आप गौर कर पाएंगे हो सकता है कैमरे में पूरा ना दिखेगा। इन्होंने एक ये भी टाइल्स बनाई है, ये आप पत्थर पे एमडीएफ पे प्लाई पे किचन के काउंटर टॉप पे स्लैब पे कहीं पे भी एक ही जैसा टेक्सचर देना हो, यानी डाइनिंग टेबल का भी टॉप किचन का भी टॉप एक जैसा। और इसके साथ ही इन्होंने जो नेम प्लेट बनाई है और ये टेक्सचर, यानी आपका काउंटर का टॉप भी वैसा ही होगा, पीछे का वॉल भी ऐसा ही होगा आप दे सकते हैं और इसका एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन भी निकाल सकते हैं। ये पूरी टेक्निक उनको सिखाई गई, ये सारा काम तो इन्होंने सीखा ही सीखा। फिर इन्होंने बोले इंटीरियर का काम करता हूँ, बेटा ये लिखे आना ऊपर। देखिए अब आप देख पा रहे हैं, आपको लग रहा होगा ये कोई वॉल डेकोर है, जी नहीं ये वॉल डेकोर नहीं है। दिनेश जी आर्किटेक्ट इंटीरियर का काम करते हैं, उन्हें फ्लोर करने का बहुत अच्छा शौक लगा था कि मैं इसका फ्लोर भी बनाना चाहता हूँ, तो उनके लिए हमने एक डेमो पीस बनाया है। इस डेमो पीस में आप देखेंगे हमने पहले प्राइमर करते हुए दिखाया है, फिर स्किड करते हुए दिखाया है, फिर बेस कोट और फिर टॉप कोट, और चाहे तो 3D का भी लुक इसमें ले सकते हैं। यानी ये पूरा का पूरा डेमो हमने उनके लिए बनाया है। ये डेमो इसलिए बनाया है ताकि वो कभी भी किसी कस्टमर के पास जाते हैं तो उन्हें जहाँ पे काम किया वहाँ ले जाके उनको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो ये डेमो कार में डाल के या अपने बाइक के ऊपर ले जाके भी इसको दिखा सकते हैं और अपने शहर के आसपास भी कहीं भेज के वो दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। तो अगर वो शहर से बाहर भी किसी को सैंपल दिखाने ले जाते हैं तो कोई बाहर वाला बंदा यहाँ तक नहीं आ पाता है तो वहाँ पे भी ले जाके इसका डेमो दे सकते हैं, और जब भी वो टाइम मिलेगा अपने द्वारा 2-3-4 क्रिएशन और कर लेंगे ताकि कैसे कैसे टैक्स लगते हैं वो लोगों को दिखा सकते हैं। यानी कि इतना सारा काम के बाद में उन्होंने एक काम और बोला, सर एक काम तो यूनिक सिखाई दीजिए जो कि बिल्कुल मार्केट में नया हो। उसके लिए उन्होंने बनाया मोशन सेंसर टेबल, चलिए दिखाते हैं आपको मोशन सेंसर टेबल। तो देखिए जो मैं आपको बताने वाला था मोशन सेंसर टेबल, जी हाँ उनका यही कहना था दिनेश जी का कि सर कुछ यूनिक सिखाइए जो मार्केट में बिल्कुल ना हो, तो ये है मोशन सेंसर टेबल। अब आप देखेंगे जो मार्केट में देख रहे हैं उसके अंदर आपको देखेंगे पूरा चेक्स लगा हुआ था या षटकोण लगे होते हैं, आप जब देखते हैं उसी में से लाइट निकलती है, मगर हमने जो उनको टेक्निक सिखाई है वो मार्बल इफेक्ट के साथ, जो इनका बना हुआ है लोगो नेम प्लेट या मोशन सेंसर या आप देखेंगे टेबल टॉप्स, ये तीनों एक ही कलर के हैं। यानी जब आप प्रोडक्शन निकालने जाते हैं किसी को कोई पीस पसंद आ जाता है सेम टू सेम एक ही जैसा सब कुछ चाहिए, आप इस टेक्निक से दे सकते हैं। यानी जैसा कि आप अपने घर का इंटीरियर करते हैं तो किस तरह से एक ही तरह का माइका या एक ही तरह का वीनियर लेते हैं, उसी तरीके से एक ही पैटर्न में एक ही डिजाइन में आप सब कुछ ले सकते हैं। अब इसे यूज कैसे करते हैं ये भी बताते हैं। इसे हमने बनाया बिल्कुल फ्रेंडली, यानी आपके पास कोई लाइट कनेक्शन नहीं है फिर भी ये काम करना चाहे तो इसके अंदर हमने एक सिस्टम दिया है पावर बैंक का, इसके अंदर पावर बैंक फिट कर दीजिए और एक स्विच लगा दीजिए। यानी अभी हमने कोई कनेक्शन नहीं जोड़ा इसके साथ में, केवल पावर बैंक जोड़ा है। बेटा लाइट बंद करना है, आप देखेंगे केवल पावर बैंक को जोड़ा गया है
अभी मैंने आपको लूज दिखा रहा हूँ, मगर पावर बैंक इसके साथ आप इनबिल्ड कर देंगे जो कि नहीं दिखेगा, उसके बाद जब आप काम करेंगे। और अगर आपको चाहिए कि पावर बैंक मेरे को नहीं लगाना है, मुझे डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी देनी है, तो बेटा वायर देने वाला बोर्ड देने पर ये इलेक्ट्रिक, ये देखेंगे आप, ये इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है और सीधा कनेक्टर किया हुआ है, हो गया। चलो चलो चलो, ये देखिए, ये मोशन सेंसर है, जहाँ जहाँ आपका टच होगा वहाँ वहाँ जलेगा, वहाँ से छूटेगा और रुक जाएगा। और एक नया इसमें हमने जो अमेंडमेंट किया है वो क्या है कि अगर आपको मोशन सेंसर नहीं लगाना है, आपको केवल ऐसा लाइट पास करनी है, तो इसके अंदर हमने एक एडेप्टर को ज्वाइंट किया हुआ है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक से जोड़ेंगे इसको और ये पूरा लाइट के साथ हमेशा जलता रहेगा। अभी मोशन सेंसर काम नहीं करेगा, यानी ये ऑल इन वन हो चुका है। आप इसे केवल लाइट के साथ देखना चाहते हैं तो लाइट के साथ भी देख सकते हैं, मोशन सेंसर के साथ भी देख सकते हैं। तो देखा आपने जो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग होती है ऑफलाइन की, उसका फ़ायदा। जी हाँ, जब आप ऑफलाइन ट्रेनिंग लेने आते हैं तो औरों में और हमें अंतर यही है, और लोग केवल एक को ही पीस लेते हैं और एक को इन्वॉल्व करते हैं, और साथ में वो निश्चित टाइमिंग लेके चलते हैं। हमारे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप एक के साथ एक जना और आ सकते हैं, ये बिल्कुल फ़ायदा ही है। दूसरा, आप एक बार ट्रेनिंग लेके चले जाते हैं और आपको कोई कन्फ्यूजन लगता है कि मुझे कोई डाउट लग रहा है, आप वापस आ सकते हैं, आपसे कोई फीस नहीं ली जाती। साथ में ही हमको एक या दो प्रोडक्ट बनाना नहीं सिखाते, इतने सारे प्रोडक्ट आपको सिखाते हैं। अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना तो आप आइए, सारे काम सीखिए, अपने पसंद के सारे काम कंप्लीट करते हैं। और साथ में ही अगर आप नहीं आ पाते हैं, जितने भी मैंने आपको कोर्सेज बताए हैं इससे भी ज़्यादा हमारे ऑनलाइन ऐप पर जाके आप प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पर इंडिविजुअल कोर्स भी मिलेगा। और आप चाहते हैं मैं पूरा काम सीखना चाहता हूँ और अभी मैं ऑफलाइन में जान नहीं सकता हूँ, तो आप हमारा प्लेटिनम मेंबरशिप का पैकेज दीजिए, वो मात्र 10,000 रुपये का है, क्योंकि अलग अलग पैकेज करेंगे तो शायद 1,00,000 से भी ज़्यादा का प्राइस अभी के तरीके में होगा उसका, मगर जब प्लेटिनम लेते हैं तो मात्र 10,000 के पैकेज में आप ये सारे पैकेज फ्री में पा सकते हैं, यानी हर आइटम बनाना पूरा पूरा कम्प्लीट सीख सकते हैं। मौका मिले ऑफलाइन आइए और इतने सारे प्रोडक्ट अपने हाथों से बनाइए। काफ़ी लोग बोलते हैं सर 5-7 दिन में हम लोग कितना काम सीख पाएंगे, तो देखा आपने 5 से 7 दिन में आप इतना सारा काम सीख पाओगे, चाहते ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए एपॉक्सी बिजनेस को समझकर और एक सही गाइडेंस के साथ एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं।